अब सिद्धांत प्रवेशिका भाग दो से पाठ 13 श्रीपाल एवं मैना सुंदरी इनकी कथा है और अपने पास थोड़ा सा समय है इसलिए इस कथा को अपन पूरा पढ़ लेते हैं। चलिए, चंपापुर के राजा का नाम अरिदमन और रानी का नाम कुंदप्रभा था। रानी कुंदप्रभा कुंद पुष्प के समान लावण्यमयी गुण और शील में अद्वितीय थी। रानी कुंदप्रभा के गर्भ से अत्यंत धीरवीर उदारवेत्ता दानपरायण दीनवत्सल धर्मप्रिय पुत्र रत्न हुआ। अब दो चीज़ें आपको याद रखना है, चंपापुर के राजा अरिदमन, उनकी रानी कुंदप्रभा, ठीक। जब वह पुत्र एक महीने का हो गया तब एक दिन उसके माता पिता अत्यंत उत्साह एवं समारोह के साथ उसे जिन मंदिर ले गए और देव पूजन की। गुरु उपदेश के पश्चात निमित्त ज्ञानी गुरु के अनुसार उस बालक का नाम श्रीपाल रखा गया। 8 वर्ष के बाद श्रीपाल का मौलिबंधन एवं उपनयन संस्कार कर दिया गया, अर्थात यज्ञोपवीत पहनाकर उसे पंचाणु व्रत बतला दिए गए तथा श्रावक के अष्टमूल गुण धारण करा दिए गए। सप्त व्यसनों का भी परित्याग करा दिया गया तथा जब तक वह पूर्ण रूप से विद्या अध्ययन ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना भी समझा दिया गया। निर्दिष्ट मंत्रों के द्वारा, मतलब निर्देशित किए गए मंत्रों के द्वारा जैन विधि के अनुसार हवन पूजन इत्यादि करा के श्रीपाल पढ़ने चले गए। इसे कहते हैं उपनयन संस्कार, ठीक है। जब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल की ओर जब जाता है कोई बालक, उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। तो वहां श्रीपाल ने छंद, व्याकरण, गणित, सामुद्रिक रसायन, संगीत, ज्योतिष, धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या, जल में तैरना, आयुर्वेद, वाहन संचालन, नृत्य आदि विद्या एवं कलाओं में निपुण हो गए और आगम अध्यात्म विद्याओं का अध्ययन पूर्ण करने के बाद पुनः चंपापुर अपने घर वापस आ गए। श्री पिता ने श्रीपाल का अतुल विद्वता, पराक्रम, अद्वितीय न्याय परायणता एवं संपूर्ण गुणों से संपन्न होने के कारण राज तिलक कर दिया। राज्य संचालन में दत्तचित्त कामदेव के समान श्रीपाल को एवं अन्य 700 वीरों को अचानक एक साथ महाभयानक कुष्ठ रोग हो गया, जिससे इन लोगों का शरीर गलने लगा एवं खून बहने लगा। इन लोगों की दयनीय दशा को देखकर प्रजाजन अत्यंत क्षुब्ध एवं दुखी रहते थे। जब रोग की दुर्गंध के कारण वातावरण बिगड़ने लगा तब वीरधवन चाचा जी के कहने पर श्रीपाल 700 वीरों के साथ नगर से बहुत दूर उद्यान में जाकर निवास करने लगे। अब यहाँ पर हो गया, ये अपने पूरे मित्रों को लेकर के और कहाँ चले गए, दूर वन में जाकर के, उद्यान में जाकर के निवास करने लगे, जिससे कि बाकी लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अब दूसरी कहानी बनती है, अभी आएगा आएगा सब आएगा। मालवा देश में एक उज्जैनी नामक ऐश्वर्यपूर्ण नगरी थी। अब ये चंपापुर नगर में श्रीपाल हैं, अब उज्जैनी नगरी हो गई मालवा की उज्जैन, जिसके राजा का नाम पुहपाल था। उसकी अनेक रानियां थीं, उसमें से एक पद्म रानी के गर्भ से सुरसुंदरी एवं मैना सुंदरी नाम की दो पुत्रियां उत्पन्न हुईं। उनमें से सुरसुंदरी रूपवती के साथ साथ सांसारिक विषय भोगों में आसक्त रहती थी, परंतु मैना सुंदरी उत्तम रूपवती, उत्तम गुणवती एवं विवेकशील थी। सुरसुंदरी ने शैव गुरु से एवं मैना सुंदरी ने आरिका से धर्म धार्मिक अध्ययन किया था। क्या वो दोनों ने अलग अलग, देख लो, सुरसुंदरी ने शैव गुरु से, जैन गुरु से नहीं, शिव को मानने वाले, और मैना सुंदरी ने आरिका से अध्ययन किया। पिता के पूछने पर सुसुंदरी ने अपनी स्वेच्छानुसार हरिवाहन से विवाह स्वीकार कर लिया, ठीक है, जो उनका क्या होता है वो स्वयंवर उसमें। परंतु मैना सुंदरी ने कहा कि पिताजी, कुलीन एवं शीलवती कन्याएं अपने मुख से किसी अभीष्ट वर की याचना कदापि नहीं करती हैं। मैना सुंदरी की विद्वत्तापूर्ण वार्ता को सुनकर राजा पुहपाल तिलमिला गए, उनको बातें चुभ गईं। उन्होंने क्रोध में आकर क्रोड़ी राजा श्रीपाल से विवाह कर दिया। विवाह मंडप में पति की निंदा सुनकर मैना सुंदरी बोली कि आप मेरे हित चिंतक हैं, आप मेरे पति को महाकुरूप एवं रोगग्रस्त देख रहे हैं, परंतु मेरी दृष्टि में तो वे कामदेव के समान सुंदर हैं।
आप लोगों को इस अप्रिय प्रसंग की चर्चा समाप्त कर देनी चाहिए। इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं है। बाद में राजा भूपाल को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने मैना सुंदरी से क्षमा याचना की। ठीक, गुस्सा में तो कर दिया, बाद में क्षमा याचना भी की। राजा श्रीपाल के कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए मैना सुंदरी ने गुरु के आशीर्वाद एवं विधि अनुसार पूर्वक अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया, जिसके प्रभाव से श्रीपाल के साथ 700 वीरों का भी कुष्ठ रोग ठीक हो गया। कुछ समय बाद श्रीपाल मैना सुंदरी के साथ चंपापुर वापस आ गए। एक दिन श्रीपाल अपने महल के छत पर बैठे हुए थे, आकाश में बिजली चमकी, जिसे देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। वे अपने पुत्र धनपाल को राज सौंप कर वन की ओर चले गए। उनके साथ 8,000 रानियां तथा माता कुंदप्रभा भी वन को प्रस्थान कर गई। माता चली गई। श्रीपाल ने मुनीश्वर के पास जाकर दिन दीक्षा धारण कर ली। उनके साथ 700 वीरों ने भी दीक्षा ले ली। माता कुंदप्रभा व अन्य रानियों ने भी आरिका के व्रत ग्रहण कर लिए। कठोर तपस्या करते हुए अल्प समय में ही घातिया कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर शेष कर्मों को नष्ट करके मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से श्रीपाल मोक्ष पहुंच गए। इस प्रकार मैना सुंदरी तथा माता कुंदप्रभा ने भी आरिका व्रत ग्रहण करके घोर तपश्चरण किया और तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग को छेद करके 16वें स्वर्ग में देवपद को प्राप्त किया। इसी तरह रण मंजूषा गुणमाला आदि अन्य रानियों ने भी अपनी अपनी तपस्या के अनुसार स्वर्ग आदि शुभ गति को प्राप्त किया। इस प्रकार से श्रीपाल एवं मैना सुंदरी ने अपना जीवन सार्थक किया और अपने जीवन का कल्याण कर लिया। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त हो गई, ये पाठ भी यहाँ पर समाप्त हो गया। ये हमें नहीं पता। चलिए, बोधि समाधि।